हमीरपुर के लिए प्रस्तावित नई बस अड्डे में JNURM की नीली बसें दिन रात खड़ी होने से जंग खा रही हैं। नीली बसों के करीब 2 सालों से सड़क किनारे और बस अड्डे पर खड़े रहने से करोड़ों रुपए की मशीनरी धूल फांक रही है। वहीं इन बसों के सड़कों पर नहीं दौड़ाए जाने पर लोगों को भी असुविधा हो रही है। हमीरपुर में स्थानीय लोगों का कहना है कि नीली बसों के खड़े रहने से लोगों को मिलने वाली सुविधा पर डाका डाला जा रहा है और करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो रही है। जो ये नीली बसें काफी दिनों से जो हमीरपुर के अंदर ये जो खड़ी हैं, इससे एक तो आज के समय में जो एक तो किराया बढ़ा दिया गया है, जो सरकार ने प्राइवेट बसों के जो निजी जो मालिक हैं उनके कहने पर जो 21% आज के समय में किराए में बढ़ोतरी कर दी है, इससे तो सरकार को चाहिए थी जो हमारी जो नीली बसें सरकारी बसें काफ़ी समय से हमीरपुर के अंदर या जगह जगह पे खड़ी हुई हैं, इनको जंग लग रहा है, ताकि अगर इन बसों को हम चलाएँ तो इससे एक तो लोगों को भी सुविधा मिलेगी, दूसरा इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो मैं सरकार से यही उनसे आह्वान करता हूँ कि इन बसों को चलाया जाए ताकि लोगों को सुविधा भी मिले और लोगों को रोजगार में भी इससे लोगों के रोजगार में वृद्धि हो। क्योंकि जैसे निजी बसों खड़ी हैं, हम बाईपास से देखते हैं, एक तो रोड की दिक्कत है, इन्हें रोड साइड खड़ी रहती हैं, जाम के ज्यादा ट्रैफिक का डर रहता है, जहाँ बड़ी बड़ी बसें हैं रोड का जाम लगता है, ट्रक वगैरह बहुत दिक्कत होती है। हमें आजकल रोड का काम लगा हुआ है, पूरी बसें बाईपास होकर जा रही हैं, तो वहाँ पर नीचे से रोड साइड खड़ी हैं, 4 डेसी की बड़ी बड़ी बसें, तो उनके सरकार जब तरफ से एक दो बसें फ्री वैसे खड़ी हैं तो फ्री ड्यूटी चला सकती है, मतलब स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए। तो हम ऐसे किराया 300 रुपये किराया लेके ऐसे 5-6 रुपये लेते बैठ बस वाला किराया, पर बोलते हैं कि लोकल सवारी नहीं बैठेगी, तो इससे बच्चों के गुस्सा जाहिर होते बार की जी हम लोकल हैं और ऐसा सब बोलते हैं। तो सरकारी बसों के लिए हमारे निवेदन है कि सरकारी बसें चलाए जाएँ और आम जनता के लिए अच्छा होगा और लोकल रूट के लिए ज़्यादा चलाए जाएँ, जैसे कि आणू हो गया, जैसे लोकल लिंक रोड है जहाँ बसें कम जाती हैं, वहाँ HRTC बसें चलाई जाएँ। कॉलेज छात्रों का कहना है कि नीली बसों को चालू किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कॉलेज छात्रों को भी आवाजाही करने के लिए सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन बसों को चलाए जाने से काफी लोगों को सहूलियत मिलेगी क्योंकि इन बसों के खड़े रहने से निजी बस ऑपरेटर फायदा कमा रहे हैं। लोगों का कहना है कि नीली बसों के खड़े रहने से सरकार को चूना लग रहा है और इन बसों को जल्द चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीली बसों को लोकल रूटों पर चलाया जाना चाहिए ताकि नजदीकी लोगों को इसका फायदा मिल सके। जिस तरीके से भी जो प्राइवेट बसों की हड़ताली चली हुई थी, इससे जो है कि कुछ बसों को जो खोला भी गया था, बट हड़ताल के दिन जो सरकारी बसें थी, आज HRTC जो बसें खड़ी हैं, अगर इन बसों की अगर सुविधा जो है लोगों को दी जाए, जैसे कि कॉलेज वाले हैं नीचे कहीं ऐसा है कि जहाँ से 5-6 किलोमीटर का फर्क पड़ता है या 3 रुपये लगते हैं, वहाँ पर जो प्राइवेट बस वाले 10 रुपये लेंगे, इसे हम ये भी बोलते हैं कि अगर कॉलेज स्टूडेंट्स को भी जिससे फायदा दिया जाए तो स्पेशल उनके लिए बसें लगा दी जाए कम किराए पर, और इससे होगा अगर उन बसों को हम दोबारा चालू करेंगे जिससे जो इनकम आएगी वो सरकार के लिए भी बेनिफिट रहेगी, और इससे कि कई प्रकार जो रोजगार है जो युवाओं को वहाँ से मिलेगा, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको मिलेगा। और हम यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि बाकी जैसे सरकारी स्कूलों के लिए जो सवेरे के लिए इनके पास बनाए गए हैं बच्चों के लिए, उनको भी सुविधाएं मिल जाएगी, क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो कि 3 रुपये देने के लिए मुश्किल करते हैं और पास वगैरह बनवाए होते हैं बच्चों ने, जो भी सरकारी स्कूल कहीं भी है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और उनको फिर भी प्राइवेट बसों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए स्पेशल रूट बनाए जाएँ इसमें जो कि जैसे कि एरिया वाइज बसें लगाई जाएँ कि कॉलेज तक आ रही हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं उस टाइम पर, जिससे कि एक प्रकार से उनको सुविधाएं मिलेगी और आने वाले टाइम में जिससे कि जो ट्रैफिक की जो चली होती है उनसे भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार के लिए इससे एक बेनिफिट होगा।